दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल सपोर्ट विशाल में। और मैं विशाल प्रजापत आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर इंजॉय ऐप का जो है पेमेंट नहीं मिला है और आप परेशान हो उसके लिए कि आपका जो है इंजॉय ऐप का पेमेंट है वो आपने रिलीज़ किए हुए 10 से 12 दिन हो गए या 5 से 7 दिन हो गए और वो आपको पेमेंट नहीं मिला है और आपको क्या करना चाहिए उसमें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इंजॉय ऐप के लिए। तो मेरे यूट्यूबर्स और सब्सक्राइबर्स ने काफ़ी मुझसे पूछा, मुझे कमेंट किया और मुझे मैसेज के थ्रू मुझसे पूछा कि सर जो मेरा इंजॉय ऐप का पेमेंट है वो मैंने रिलीज़ करने के लिए 5 से 7 दिन हो गए, मैंने रिलीज़ करने के लिए पेटीएम में भी वो मुझे बैलेंस नहीं मिला और मेरे अकाउंट में भी वो बैलेंस शो नहीं हो रहा है, बट मैंने कैश आउट की करे हुए 7 से 8 दिन हो गए हैं तो वो हमें पेमेंट नहीं मिला, तो उसके लिए क्या करें हम। तो काफ़ी वो परेशान हो रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आपका अगर इंजॉय ऐप का पेमेंट आपको नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए जिससे आपको उसका पेमेंट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने इंजॉय ऐप में जाना है और आपको इंजॉय ऐप में जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो इंजॉय ऐप में आप जैसे ही जाओ तो आपको पहली बात तो आपको ये कि अगर आप इंजॉय ऐप से पेमेंट ले रहे हो तो आपको पेमेंट लेने के लिए नंबर, पेटीएम नंबर और जो है अकाउंट नंबर वो एकदम सही से डालना है। और अकाउंट नंबर जैसे ही आप डालोगे उसके आईएफएससी कोड, बैंक नेम और बैंक ब्रांच नेम, ब्रांच कोड जो भी आपको फिलअप करना है वो एकदम करेक्ट फिलअप करिएगा, क्योंकि इंजॉय ऐप जो आपको पेमेंट भेजता है वो आपको काफ़ी बार बैंक कोड या स्विफ्ट नंबर या फिर ब्रांच कोड मैच नहीं कर पाता, इसलिए आपका पेमेंट जो है वह रुक जाता है। और रही बात पेटीएम की, तो पेटीएम नंबर भी आपको सही से डालना है ताकि आपका जो है पेटीएम में आपका बैलेंस आ सके। और अगर आपका फिर भी बैलेंस नहीं आता है तो आपको करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको इंजॉय ऐप यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आप इंजॉय ऐप यहाँ पर लिखोगे आपको इंजॉय ऐप में चले जाना है और इंजॉय ऐप में जैसे ही आप जाओगे नीचे ही नीचे आपको ये दिख रहा होगा सेंड ईमेल, तो यहाँ पर सेंड ईमेल पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर सेंड ईमेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपको इसमें लिख देना है आपका पेटीएम नंबर है वो दे देना है और आपका जो इंजॉय ऐप की आईडी है वो आपको यहाँ पर लिंक दे देना है उसका, और उसमें लिख देना है सर मैंने कैश विड्रॉल किए हुए जितने भी आपको दिन हुए वो लिख देना है। और उसमें लिखने के बाद आपको बता देना है कि मेरा पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करिए और मुझे मेरे जो वॉलेट है उसमें बैलेंस जल्दी ट्रांसफ़र करने की कीजिए। तो ये लिखने के बाद आपको इंजॉय ऐप पे वो ईमेल सेंड कर देना है और ईमेल सेंड करने के बाद आप 1 से 2 दिन रुक जाइएगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा इंजॉय ऐप की तरफ से जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे भी मैंने इनसे बात की तो ये देख सकते हो आप, इनने बताया कि शेयर द पेटीएम नंबर विद यूज फॉर थैंक यू, तो मैंने यहाँ पर पेटीएम नंबर दे दिया था इसलिए इन्होंने बोला कि मुझे पेटीएम नंबर सेंड कर दीजिए, हम आपकी जो अकाउंट है उसको चेक करेंगे कि आपका पेमेंट क्यों आपको नहीं मिला है। तो आप इसमें एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, काफ़ी बार आपके पेटीएम नंबर और काफ़ी कुछ इश्यूज के कारण आपका जो है बैलेंस रुक जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको एक ईमेल सेंड कर देनी कि मुझे मेरा जो है कैश नहीं मिला है, हमने कैश आउट किया हुआ, और उसमें आपको पेटीएम नंबर और आपके ऐप की आईडी दे देनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करना हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी हर वीडियो का कमेंट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।